राम राम बे सारी बाण बेटिया ने स्वागत है थारा आपके अपने चैनल हरियाणवी हुनर पर। आज बे जो बचे हुए कपड़े में था कुर्ती बनाऊंगी और कुर्ती किस त्रिया बनाऊंगी बे यो थारे देख मैं पहले बता दूँ। देखो बे ये अगर हम स्त्रिया बनाव है ना ये न्यू तो कुर्ती की लंबाई भी पूरी है और चौड़ाई भी पूरी है, लेकिन इसमें देखो यो स्त्रियाकरण में ये आडी लायर आ जाए हैं, ये जो लाइनिंग सी दिख है इसकी लुक है या आडी आ जाए हैं। और देखो बेटा मैं बताइयो स्त्रियाँ ले हैं तो इसकी लुक ज़्यादा अच्छी लग गए हैं, तो स्त्रियाँ बनावा हैं तो वे चौड़ाई कम रहा है मतलब और सारी ठीक आ जाए है, इफ पे जो हम मोड़ेंगे वो हमारी कम रह जाए है। देखो स्त्रियाँ या जो चीज़ है हमारी कम रह जाए है, तो वे इसमें हम किस स्त्रियाँ पूरी करेंगे मैं इस आज की वीडियो में यो दिखाऊंगी और इसमें पूरी कुर्ती किस स्त्रियाँ बनाऊंगी यो ये दिखाऊंगी बेबे। और देखियो सब तो पहले आता बे कर लियो हूँ मैं इसका प्रेस। देखो एक ये भी बच रहा है, ये पजामे की साइड तो बच रहा है, यो बे पूरी लंबाई में तो बच रहा है, 1.25 मीटर कपड़ा है यो। और छोटे छोटे ये छटाई में तो बच रहे हैं, तो किस स्त्रियाँ के करेंगे बे पहले तो सब तो पहले प्रेस कर लिया हूँ, प्रेस करके पे फिर मिलेंगे और दिखाऊंगी। तो वे मैं कर लाई हूँ प्रेस और ये लगाऊ हूँ निशान। देखो वे लगाते हैं, देखो ऊपर तक वे हमने ले लिया यो तीरा 6.5 इंच का, और फिर वे अपना आर्मोल की लंबाई ले दी वाई अपनी 7 इंच की। तो इस तरह वे फिर हमने लगा दिया अपने कमर का निशान, ये हो गया अपना मतलब टोटल हमारा 14 पैर 8 पैर हमने लगा दिया कमर का, और फिर टोटल हमने 14 पैर लगा दिया है हिप का निशान। तो कमर है जो हमारी वह भी हमारी पूरी होने लग रही है एकदम आसानी तय, और भी जो हमारी चेस्ट वाला भाग है ये भी हमारा आसानी तक पूरा होने लग रहा है, तो हमने इन चीज़ों में तो कोई ये दिक्कत नहीं आओगी। इस कुर्ती ने भी अगर हम टेलर के पास या किसी और आसपास हम किसी के पास सिलवाने जाते तो वो सिर्फ इसने आडी सिल देते, इसकी वो अच्छी लुक नहीं आती। तो यो हम खुद सिल रहे हैं इसलिए हम तो इसमें जो इक का पार्ट है ना इक वाला हमारा रवा है कम, तो इक वाला रवा है सिर्फ जो हम मोड़ेंगे ना हमने जो मार्जिन चाहिए है वो कम, तो उस मार्जिन में हम किस तरह पूरा करेंगे ये तो हमने देखो एक ये ले लिया है जिसने हम स्त्रियाँ काट कर और बराबर कर लेंगे, एक सीधी पट्टी बना लेंगे एक स्त्रियाँ। देखो यह होगी हमारी दो पट्टी सीधी जो दिखाई थी भी बची हुई हैं छोटी छोटी, तो उससे मैं तो भाई एक काम इसके ऊपर और या जो दो पट्टी हैं ये इनके ऊपर हम इससे न रख लेंगे ये स्त्रियाँ, और रख कर एक पट्टी और निकाल लेंगे एक स्त्रियाँ। तो जो इसका ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस नाम कर लेंगे अलग। देखो स्त्रियाँ तो इन्हें भी अलग करके अपने में बराबर कर लेंगे ये स्त्रियाँ। देखो और सारा इसमें भी जो कपड़ा था वो सब पूरा हो गया था, और इसमें और जो मार्जिन की कमी थी सिर्फ वाई कमी रह थे, तो हम अपने कपड़े में जो हमारा है इस मतलब जो मार्जिन खतर ले रहे हैं हम इसमें ये अपने में अब इतने ऊपर तक रख लेंगे 2 इंच ऊपर तक रख लेंगे ताकि सिलाई में भी अच्छे से आ जाए।
तो अड़ा अपने स्त्रियाँ भी भी अपना मार्जिन पूरा करके हमारी एक कुर्ती बढ़िया फिनिशिंग के साथ अच्छी कुर्ती तैयार हो जाएगी। स्त्रियाँ जो भी अपने पास कपड़ा बच रहा है उस नाम स्त्रियाँ यूज करके अपनी एक अच्छी कुर्ती बना सके हैं। अगर हम खुद नहीं डालना चाहते और हमारे पास कपड़ा भी पड़ा है तो उसना भी हम सेल करने खातर भी स्त्रियाँ तैयार कर सकते हैं। जो बाण भाई कहें कि पैसे की भी जरूरत तो है सॉरी, पर हमने भाई काम भी चाहिए है और अपने कपड़ा में तो जो स्त्रियाँ कपड़ा बच रहा है उसने स्त्रियाँ कोई भी डिजाइन देगा कहीं से भी का कपड़ा कहीं पर लगा कर। ये अगर सिंपल कुर्ती है हमने जो इसमें हम डिजाइन भी दे सके थे, स्त्रियाँ अपनी कुर्ती ने पूरी करके सेल भी कर सके हैं। जिस रेट में हमारा मान लिया फैब्रिक आया है हमने खरीदा है उसी रेट के अपने मीटर के हिसाब से फैब्रिक के पैसे रख लें और अपनी सिलाई जितनी है वो रख लें। तो स्त्रियाँ भी करके हम अपनी एक अगर जो हम खुद के लिए नहीं बनाते तो अर्निंग भी कर लेंगे इस तरह, क्योंकि वे बहुत गाँव से हैं जो शहर दूर लग हैं फिर भी अपने आसपास तक खरीदने वाले बहुत मिल जाए हैं। तो स्त्रियाँ करके एक आमदनी का जरिया बना सको, तो वे करण वाला चाहिए आमदनी तो अपने आप चल के भी आ जाए है लेकिन जरिया टोना पड़ा है एक स्त्रियाँ भी थोड़ी सी जरूरी नहीं है कि तुम इतने साइज की बनाओ। अगर मान लिया छोटे साइज की मैं स्त्रियाँ तैयार हो जाए स्त्रियाँ छोटे साइज की बना दो, पर जो खुद मान लिया अपना सूट हमने ये सूट एक में डाल लिया है हमने तो हम इसने दोबारा तो उस कुर्ती ने डाला नहीं गे वही डिजाइन वही सेम, तो इसलिए हम इसने सेल पर लगा सके हैं और सेल पर लगा कर भाई एक अच्छी खासी अपनी आमदनी बढ़ा सके हैं। तो यह थी वे हमारी सिलाई कटाई तक की और अब चलने वे सिलाई करेंगे। पहले काट लेंगे बाजू, ये होगी अपनी बाजू भी, तो बाजू में भी इससे त्रिया है ऊपर तो थोड़ा सा कपड़ा कमरवा है तो उसमें हम छोटी सी डाल देंगे मैनी अपने आर्मोल पर और ये जो आड़े तुम्हारी बाजू पूरी हो जाए ये इस त्रिया कटिंग करके अपनी ये कोई बाजू की कटिंग वायर रहेगी सेम ये इस त्रिया तक। खाली यहाँ पर अपना हमने अपना आर्मोल पूरा करने पर ही थोड़ी सी जो थोड़ी बहुत कमी रहे है उसमें हम एक छोटी सी छोटी छोटी मैनी डाल लेंगे। इस त्रिया इससे कपड़े की देखो दो मिनट लगेगी इस त्रिया हम अपनी मैनी पूरी कर लेंगे इस त्रिया तक। ये होगी वे अपनी बाजू, चलो ये सिलाई करके दिखाऊंगे किस तरह तैयार करी है कुर्ती, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी वे। और वे धागे भी भर लिए हैं और ये सबसे पहले वे जो हमने ये जो हमारा मार्जिन कम रहा था ये पैक है और मोड़न वाला उसके लिए जो हमने पट्टी काटी थी सबसे पहले हम उन्हें जोड़ लेंगे ये एक एक करके। सबसे पहले ये इस तरह तभी देखो हम नीचे तो लगेंगे और सबसे पहले ये मतलब चारों की चारों अपनी जो हमारी मार्जिन वाली पट्टी है इन्हें इस पर अटैच कर लेंगे। तो इस
तो ले भाई, जब तक मैं इन्हें अटैच करूँ हूँ तुम चैनल ना लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मैं इन्हें सारिया ने अटैच कर दूँ हूँ। देखो वे ये चारों पट्टी मैंने लगा दी है, ये इसकी ये जो जमा किया था हमारा वो मैंने चारों पट्टी देखो ये इस पर लगा दी है। देखो वे सबसे पहले अपना गला बना देंगे, गला भी गोले बनावेंगे, पहले भी बना रखा है वही प्रोसेस है वे गोल गले का, तो और इसमें कोई खासा डिजाइन नहीं करेंगे, तो वे पूरा दिन नहीं दिखाओगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये वे बना दी हूँ गला इसका, ठीक है, और गला बना कर फिर दिखाऊँ वे। तो देख वे गला बना दिया है, यो अगला है गला बना दिया, और यह फिटिंग लगा दी है। ये इसका जो मतलब इस टाइप के जो थोड़े से कमी वाले सूट हो जाए हैं तो इनका भी हम इस्त्रिया करके पहले ये देखो जो हम स्टॉपर लगाना वे थोड़े से आड़ा ये इसी हम वह बना लेंगे, मतलब मैनी सी इस्त्रिया रख कर ये करीब एक इंच की हम आड़ा इसका मैनी सी दे देंगे। इस टाइप के जो सूट हैं जो मतलब हम रेडीमेड खरीदे हैं उनका भी देखियो इस्त्रिया की है मैनी सी दे हुआ है, इस्त्रिया हम इसका एक मैनी तरीके तरिया दे देंगे। इसका क्यों है, एक तो इससे पता है कमीज हमारी चौड़ी हो जाए, मतलब इस पता वो जो खिंचाव हुआ है ना वो नहीं रहता, करीब एक इंच की हम इसमें मैनी दे देंगे। इस्त्रिया डबल सिलाई कर देंगे ताकि देखो इस्त्रिया के ए इस्त्रिया मैंने दे देंगे ए बे इसके पल्ले मोड़ लेंगे, नीचे तो मोड़ देंगे अपने लंबाई माप का, और फिर दिखाऊंगे वे पूरा तैयार करके ना। तो वे ये है बाजू का डिजाइन, ये इस 2 इंच 2.25 इंच चौड़ी पट्टी ले ली थी मैंने, या इसका कति एंड बीच में अपना दोनों साइड का बराबर माप का और सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह सिलाई लगा कर वे फिर इसके बीच में कट लगा देंगे इस तरह। इन्हें सीधा कर लेंगे, बाजू के बीच में डकट लगा देंगे, और वे उल्टी साइड तक रख कर अपना सिलाई लगा देंगे इसके दोनों निशान इसका भी बीच, और यही हो देखो इस्त्रिया मिला कर और दोनों साइड तक मिला कर इस्त्रिया सिलाई लगा देंगे।
सीधी साइड इसने ये नकर इस्त्रिया फ्रेश करके एकदम और ये इस्त्रिया तक करके और इसका सिलाई लगा देंगे। देखो लेबे ये बाजू हो गई है तैयार देखो, और ये हो गया है सूट पूरी कुर्ती तैयार देखो। जब सफाई वे कितने भी नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है देखो, और पूरी कुर्ती तैयार हो गई है वे कितने अच्छे से देखो, जमा सफाई है वे फिनिशिंग के साथ कुर्ती तैयार हुई है। तो वे इस तरह की कुर्ती अगर आप मार्केट में लेन जा हैं तो यह कुर्ती वे 1800 की हमने कुर्ती मार्केट में तो मिलेगी, और जो भी हम खुद के लिए नहीं बना रहे, हम खुद नहीं पहनना चाहते, तो हम इसने सेल करके मार्केट में, अगर मैं भाई खुद नहीं बैठ सकते तो किसी लड़के को किसी लड़की को हम इस तरह की कुर्ती काफ़ी सारी तैयार करके, और हम जहाँ भीड़ वाली जगह है या मार्केट है इस तरह की जगह पर हम अपने किसी रिलेटिव ने या हम किसी ने आसपास जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पैसे दे के हम खड़े कर सकें, जैसे चौराहे पर या कहीं भी भीड़ वाली जगह पर, तो ये सेल आराम तो हो जाएंगी वे और अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अच्छा रही बात इन टुकड़ा न खरीदने की भी, वे हर दुकान पर खासकर जो भाई ये थान वाली की दुकानें हुआ हैं इन पर काफ़ी सारे टुकड़े बचे पड़े हुए हैं, हर बार भी वे लगा कर रखे हैं, हम उड़े तक कपड़े खरीद सके हैं सस्ते रेट में, और भी थोड़ी सी मेहनत पर हम इन कोई इस तरह की कुर्ती बना बना कर मार्केट में सेल कर सके हैं, अपने आसपास करीब कर सके वे भी, या अपने बारने आगा हम बोर्ड लगा सके कि यहाँ रेडीमेड कुर्तियाँ मिलती हैं, तो इस तरह का वे करके तुम अच्छी खासी अर्निंग कर सको हो, अपना घर अच्छे से चला सको हो। तो ये पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दी, और कल फिर लेके आऊँगी एक जुगाड़ से अर्निंग भी और एक जुगाड़ से बहुत प्यारी सी ड्रेस भी। राम राम भैया।